शिक्षा के सामने अब हरिणी एक बहुत बड़ा फैसला लेती नजर आएगी और कहेगी कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो आप क्या करेंगी। तो यहाँ पर अब ईशा जो है वो हरिणी को कहती नजर आएगी कि सभी को ये शादी तो ज़रूर करनी होगी, चाहे अपने लिए चाहे इस बच्चे के लिए। तो क्या यहाँ पर अब ईशा कौन सा सच बताएगी ऐसा सभी को, जिससे सभी शादी के लिए राजी होती हुई नजर आएगी। तो आगे की डिटेल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।